वेलकम टू एजुकलिक। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपके मॉर्निंग की शुरुआत हमारे साथ। दोस्तों, आज मैं फिर लेकर आया हूं आपके लिए रोज का डबल डोज, जिसमें है एक कैप्सूल दो कदम। आज है 25 अक्टूबर, तो 25 अक्टूबर से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन होंगे उन पर हम डिटेल से बात करेंगे, और क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। आज के करंट अफेयर्स की PDF इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक पेज, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर, हर एक प्लेटफॉर्म पर जहाँ चाहे वहाँ फॉलो कर सकते हैं। इनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें एवं शेयर करना ना भूलें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें। और दोस्तों, कल का कैप्सूल लिया क्या? चलिए क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने BSNL के साथ किसके विलय को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी है MTNL को। ऑप्शन बी राइट आंसर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने घाटे में चल रही दूर संचार कंपनी BSNL यानी भारत संचार निगम लिमिटेड और MTNL यानी महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड को रिवाइवल पैकेज के हिस्से के रूप में विलय के लिए मंजूरी दी है। अब मंजूरी दी है BSNL को, तो इसकी स्थापना हुई थी 15 सितंबर 2000 को। BSNL का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में तथा इसके CEO हैं प्रवीण कुमार पुरबार। अब विलय हुआ है MTNL के साथ, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1986 को। MTNL का हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली में ही है तथा इसके CEO हैं सुनील कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में MCC के मानद आजीवन सदस्य कौन बने हैं? तो ये बने हैं ग्रीम स्मिथ। ऑप्शन ए राइट आंसर। दक्षिणी अफ्रीका के पूर्व कप्तान ग्रीम स्मिथ को MCC यानी मेलबोर्न क्रिकेट क्लब का मानद आजीवन सदस्य चुना है। ग्रीम स्मिथ 22 साल की उम्र में साउथ अफ्रीका के सबसे युवा कप्तान रहे हैं। अब ये हैं दक्षिणी अफ्रीका के, तो मैप में देखिए साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की कैपिटल है केप टाउन, करेंसी है साउथ अफ्रीकन रैंड तथा साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट हैं सिरिल रामफोसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कार्बो बर्डे गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है गोड़ाबर्ती वेंकट श्रीनिवास को। ऑप्शन ए राइट आंसर। विदेश मंत्रालय ने गोड़ाबर्ती वेंकट श्रीनिवास को कार्बो बर्डे गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। ये राजीव कुमार का स्थान लेंगे। वर्तमान में वेंकट श्रीनिवास सेनेगल गणराज्य में भारत के राजदूत के तौर पर नियुक्त हैं। ये 1993 बैच के IFS अधिकारी हैं। अब ये नियुक्त हुए हैं कार्बो बर्डे में, तो मैप में देखिए कार्बो बर्डे ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का हिस्सा है। इसकी कैपिटल है परैया तथा करेंसी है कार्बे बर्डियन एस्कुडू। प्रेसिडेंट हैं जॉर्ज कार्लोस फोनसेका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 24 अक्टूबर को। ऑप्शन सी राइट आंसर। वर्ष 1948 से प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 अक्टूबर 1945 को सभी के लिए शांति, विकास और मानव अधिकारों का एहसास कराने और सामूहिक कार्यवाही का समर्थन करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है तथा इसके सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरस। अब क्वेश्चन आया है इम्पोर्टेंस डे का, तो आप मंथ के अभी तक के सभी इम्पोर्टेंस डे मेरे साथ रिवाइज कीजिए। 1 अक्टूबर को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस, 2 अक्टूबर को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, 4 अक्टूबर को मनाया गया था वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे, 5 अक्टूबर को मनाया गया था वर्ल्ड टीचर्स डे, 8 अक्टूबर को मनाया गया था इंडियन एयरफोर्स डे, 9 अक्टूबर को मनाया गया था वर्ल्ड पोस्टल डे, 11 अक्टूबर को मनाया गया था इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड, 13 अक्टूबर को मनाया गया था इंटरनेशनल डे फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन, 14 अक्टूबर को मनाया गया था वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे, 15 अक्टूबर को मनाया गया था वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे, 16 अक्टूबर को मनाया गया था वर्ल्ड फूड डे, 17 अक्टूबर को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। और अब
24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे मनाया गया है। तो जब भी इम्पोर्टेंस डे का क्वेश्चन आए तो आपको मंथ के अभी तक के सभी इम्पोर्टेंस डे रिवाइज करने हैं। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आप क्वेश्चन को रिवाइज जरूर किया करो, क्योंकि बार बार रिवाइज करने से आप उन्हें कभी नहीं भूल पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विजया बैंक म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो उद्घाटन हुआ है बेंगलोर में। ऑप्शन सी राइट आंसर, विजया बैंक हेरिटेज म्यूजियम का उद्घाटन विजया बैंक के पूर्व मुख्यालय बेंगलोर में किया गया है। इस म्यूजियम में तस्वीरों का अनूठा संग्रह है जो बैंक के विकास को प्रदर्शित करता है। विजया बैंक देश के प्रमुख राष्ट्रीयकृत बैंकों में से एक था। विजया बैंक और देना बैंक को 1 अप्रैल 2019 को बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ विलय किया गया था। अब म्यूजियम का उद्घाटन हुआ है बेंगलोर में। तो बेंगलोर कैपिटल है कर्नाटक की। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं B.S. येदियुरप्पा तथा गवर्नर हैं वाजुभाई बाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मुंबई की किस ऑलराउंडर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो संन्यास लिया है अभिषेक नायर ने। ऑप्शन ए राइट आंसर, मुंबई के ऑलराउंडर अभिषेक नायर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। इन्होंने भारत के लिए 3 वनडे इंटरनेशनल मैच खेले हैं। इन्होंने प्रथम श्रेणी में 103 मैच खेले हैं जिनमें इनका प्रदर्शन शानदार रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रकाशित 10 स्टडीज इन कश्मीर हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये पुस्तक लिखी है काशीनाथ पंडित ने। ऑप्शन बी राइट आंसर, भारतीय इतिहासकार शिक्षाविद और पद्मश्री से सम्मानित काशीनाथ पंडित की नई पुस्तक 10 स्टडीज इन कश्मीर हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स का विमोचन किया गया है। यह पुस्तक एकेडमिक फाउंडेशन द्वारा प्रकाशित की गई है जिसमें जम्मू और कश्मीर के इतिहास को दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मरी की बरबूट ने इच्छा मृत्यु ली है, ये कौन थे? ये एक एथलीट थे। ऑप्शन सी राइट आंसर, बेल्जियम पैरालंपिक एथलीट मरी की बरबूट ने 40 साल की उम्र में इच्छा मृत्यु के माध्यम से अपना जीवन समाप्त कर लिया है। ये एक मांसपेशियों की बीमारी से पीड़ित थे जिसके असहनीय दर्द के कारण इच्छा मृत्यु से जीवन समाप्त किया है। इन्होंने 2012 लंदन खेलों में 100 मीटर और 200 मीटर रेस में रजत पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सिंधु सुदर्शन युद्ध अभ्यास कहाँ शुरू किया जाएगा? तो ये शुरू किया जाएगा राजस्थान में। ऑप्शन बी राइट आंसर, भारतीय सेना राजस्थान के थार मरुस्थल में 29 नवंबर से 4 दिसंबर तक सिंधु सुदर्शन युद्ध अभ्यास आयोजित करेगी। इसका उद्देश्य वायुसेना और थल सेना की लड़ाई में रक्षा सेवाओं का मूल्यांकन करना है। अब यह युद्ध अभ्यास आयोजित करेगी इंडियन आर्मी। तो इंडियन आर्मी की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1895 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में तथा इंडियन आर्मी के जनरल हैं बिपिन रावत। अब यह युद्ध अभ्यास होगा राजस्थान में। तो राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत तथा गवर्नर हैं कलराज मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में BFS को NBFC लाइसेंस किसने प्रदान किया है? तो ये लाइसेंस प्रदान किया है RBI ने। ऑप्शन ए राइट आंसर, भारतीय रिजर्व बैंक ने VFS यानी ब्रिजी फाइनेंस सर्विस को NBFC यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी का लाइसेंस प्रदान किया है। इसका उद्देश्य शहरों और छोटे गांवों में संचालित लघु उद्योगों को ऋण सेवाएं प्रदान करना है। अब लाइसेंस दिया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में तथा RBI के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास RBI के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। अब देखिए लास्ट वीडियो के क्वेश्चन, हाल ही में कनाडा के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं जस्टिन ट्रूडो। ऑप्शन बी राइट आंसर, जस्टिन ट्रूडो दूसरी बार कनाडा के प्रधानमंत्री बने हैं। जस्टिन ट्रूडो लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा से संसदीय चुनाव में दूसरे कार्यकाल के लिए चुने गए हैं। अब ये बने हैं कनाडा के प्रधानमंत्री। तो मैप में देखिए कनाडा, कनाडा की कैपिटल है ओटावा, करेंसी है कनाडियन डॉलर तथा प्राइम मिनिस्टर तो यही बन गए हैं जस्टिन ट्रूडो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में
सबसे अधिक ऊन देने का विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली भेड़ की मौत कहाँ हुई है? तो मौत हुई है कैनबरा में। ऑप्शन ए राइट आंसर। सबसे अधिक ऊन देने का रिकॉर्ड बनाने वाली भेड़ क्रिस की बुढ़ापे के कारण मौत हो गई है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा के बाहरी इलाके में रहने वाली क्रिस से वर्ष 2015 में 40.45 किलो ऊन निकाला गया था, जो एक विश्व रिकॉर्ड है। इस भेड़ की उम्र लगभग 10 वर्ष थी। अभी यह भेड़ थी ऑस्ट्रेलिया की, तो मैप में देखिए ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर तथा ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं स्कॉट मॉरिसन। अब आपके लिए आज के क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है तथा इनके बारे में आपको डिटेल से लिखना है। क्वेश्चन के बारे में आप जितना ज़्यादा लिखोगे फिर अब वो आप कभी नहीं भूल पाओगे, तो इसकी आप हैबिट बना लीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक करें तथा इसे अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।